तो फील गेम फैमिली, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और मेरा और आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छा जाए। और भले ही मैं सारे कमेंट्स को हार्ट नहीं दे पाऊं, लेकिन ये याद रखो कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ही हूं। इसलिए फील गेम फैमिली, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते रहो, एंड आई लव यू ऑल। तो आज के गेम प्ले आप लोगों को पता ही है कि क्या है, कि टीम जायंट्स वर्सेस 2K22 की खतरू टीम, जिसमें रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना, इन चारों की टीम को हराना लगभग इम्पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं कि क्या जायंट्स मिलकर WWE 2K22 की खतरू टीम को हरा सकते हैं या नहीं। और जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, फील गेम फैमिली एकदम जल्दी से लाइक कर लो, और अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबाओ, और फील गेम फैमिली में आपका स्वागत है। मेरे भाई आंद्रे द जायंट और रैंडी ऑर्टन मैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबके पास तीन तीन फिनिशर्स, लेकिन पहले फिनिश, अरे आंद्रे सर इतनी जल्दी क्या थी टैग देने की, द ग्रेट खली आ रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को भी भाग के टैग दे देना चाहिए था, तब ना मजा आता, लेकिन रैंडी ऑर्टन भागने के मूड में नहीं लग रहे हैं। खली सर के मुंह पे पंचेस, खली सर ये इंसल्ट आएंगे नहीं, लगाएंगे फिनिशर। ओके, नी ड्रॉप खली सर के मुंह पे, सिर्फ हेड पे मार रहे हो ऑर्टन, ताकि आरक्यू दे और खली नॉकआउट हो जाए। अच्छी चाल है ऑर्टन, लेकिन आरक्यू लगा दिया, रिवर्स भी हो गया है और मुंह पे पड़ा है एक खींच के लात खली सर। अरे जायंट्स तो बहुत टैग दे रहे, सही है, लेकिन जितना ज्यादा टैग देंगे, ओ लग गया आरक्यू, इतना भी सही नहीं था, बेचारे बिग शो को आरक्यू लग गया। 2K22 की खतरू टीम को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसमें रोमन सीना, ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन है। ये चारों जब एक साथ मिल जाते हैं ना, इनको हराना इम्पॉसिबल है। क्या हरा पाएंगे जायंट्स आज? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगे जायंट्स, लगता नहीं है, फिलहाल तो नहीं लग रहा है ऐसा। और जायंट्स की टीम में दो हीरे, द ग्रेट खली और आंद्रे द जायंट, ये दोनों 2K22 में कमाल करते हैं। सीना को टैग नहीं मिला है, रोमन आ रहे हैं। अच्छा, सीना का कल की मैच में भी टैग नहीं मिला था, लास्ट में सीना को टैग मिला था। मुझे नहीं लगा था कि रोमन और सैमी ज़ेन की टीम हार जाएगी, लेकिन भाई सीना और केविन ओवेंस जीत गए। कितने लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज, कमेंट करके बताओ। अच्छा, मेरे लाइव स्ट्रीम में भी जीत गए थे वो दोनों, और रियल लाइफ में भी जीत गए, तो बहुत लोगों ने नोटिस किया और मुझे कमेंट करके बताया कि भाई आपके लाइव स्ट्रीम में भी जीत गए थे और रियल लाइफ में भी जीत गए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरी लाइव स्ट्रीम में जो होता है ना, वो रियल लाइफ में भी हो जाता है। बिक्षो को जब से टैग मिला है कूटे ही जा रहे हैं। ओके, गिलिटीन भी लगा दिया बिक्षो को, गिलिटीन भी लगा दिया यार, ये क्या हो रहा है बिक्षो के साथ? 2K22 की टीम खतरू अपना खतरनाक रूप दिखा रही है, पिनफॉल हो सकता है, आंद्रे सर ने बचा लिया, लेकिन एक फिनिशर और बिक्षो एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे आंद्रे द जायंट को फिनिशर देने की क्या जरूरत थी, पूरा ब्रॉल हो गया है और जायंट्स मार खा रहे फिलहाल। बिक्षो बस अब तब पे और खत्म, बिक्षो एलिमिनेट इतनी जल्दी, इसलिए ये 2K22 की खतरू टीम है। देख लिया ना, 2 से 2.5 मिनट के अंदर एक एलिमिनेशन भी कर दिया, और अब आ रहे ब्रॉक लेसनर, सीना को टैग नहीं मिल रहा है, सीना को अभी तक टैग भी नहीं मिला, एक एलिमिनेशन भी हो गया। लीगल आदमी कोई और है, गिनती चालू है, लीगल आदमी कौन है? आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमन है, स्ट्रोमन है लीगल आदमी, गिनती रुक गई ना, हाँ स्ट्रोमन है लीगल आदमी। स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रनिंग पावर स्लैम देंगे। अरे रे रे, इतना टाइम वेट नहीं करना चाहिए, जायंट्स में से एक आदमी एलिमिनेट हो चुके हैं, और जिस हिसाब से चल रहा है लग रहा है दूसरे आदमी भी एलिमिनेट होने वाले हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन भी अच्छा खेलते हैं 2K22 में, लेकिन सामने जब टीम खतरू हो ना भाई, तब अरे लगा दिया कबूरा लॉक, टैप आउट नहीं करेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं करना चाहिए, ना इतनी जल्दी नहीं, लेकिन पिट गए। ब्रॉन स्ट्रोमन के पास हेल्थ थी, स्ट्रोमन भी पिट रहे हैं। ब्रॉक लेसनर ने अगर लगातार दो और कमुरा लॉक लगा दिया ना स्ट्रोमन का, अरे पिनफॉल नहीं होगा लेसनर को बहुत जल्दी है कि जल्दी से मैच खत्म करे, घर जाए। सीना को टैग नहीं मिल रहा है, सीना को ये लोग टैग ही नहीं दे रहे, सीना को रियल लाइफ में भी टैग नहीं मिलता, यहाँ भी लोग टैग नहीं दे रहे, ये गलत हो रहा है सीना के साथ। रैंडी ऑर्टन सीना के अच्छे दोस्त है, मतलब रियल लाइफ में, WWE के अंदर तो कभी कभी दुश्मन दिख जाते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आरक्यू सीना को टैग देंगे पक्का। आरक्यू देना, देखो सीना टैग लेने के लिए खड़े हुए तब से, ब्रॉन स्ट्रोमन को लगता है अब आरक्यू पड़ने वाला है। एक एलिमिनेशन स्ट्रोमन, रनिंग पावर स्लैम, 3-3 है, किस दिन का इंतजार है स्ट्रोमन, अब तो न्यू ईयर भी आ गया है, लगा दो, अब 2024 का तो इंतजार नहीं है ना। स्ट्रोमन ने जायंट्स की तरफ से वार करने स्टार्ट किया, चलो ये अच्छा है, अच्छी शुरुआत है। द ग्रेट खली आ रहे हैं, खली सर 3-3 फिनिशर, एक तो लगाओ एटलीस्ट, जॉक स्लैम या वाइस ग्रिप कुछ तो लगाओ, फिनिशर सर फिनिशर, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला इनको, ये चारों ही खतरू आदमी है। पिनफॉल होने लगा, पिनफॉल नहीं होगा खली सर, अभी हेल्थ तो देखो, सिर्फ हेड येल्लो है,
लगो वाइस ग्रिप, लगो वाइस ग्रिप, नहीं लगा रहे, उठा उठा के फेंके जा रहे हैं। कलीसा ठीक है, मतलब जाइंट्स वाली हरकत कर रहे हो, लेकिन फिनिशर भी देना है सर, तब एलिमिनेशन होगा। वाइस ग्रिप देने जा रहे थे, लेकिन आई थिंक रैंडी ऑर्टन नहीं खाने वाले वाइस ग्रिप। आरक्यू टॉप रोप, आरक्यू भी है ऑर्टन के पास, वो भी दे सकते हैं खलीसर का हेड ऑरेंज। एक फिनिशर में द ग्रेट खली भी एलिमिनेट हो सकते हैं अगर ऑर्टन ने फिनिशर लगाया तब। डीडीटी हेड लाल हो चुका है, खली सर गए। सीना को टैग, अरे सीना को टैग ही नहीं कोई दे रहा है, सीना को कोई टैग नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। हैशटैग सीना के साथ इंसाफ गलत हो रहा है, सीना के साथ, सीना को कोई टैग देगा। रोमन भी अब मार रहे, अरे जाइंट्स इतना क्यों फुटा रहे भाई आज। हेड पे और ज्यादा डैमेज खली सर का, अगर रोमन ने गिलिटीन लगाया खली सर का खेल खत्म। खली सर भागो अब टैग देने, आई थिंक रोमन को टैग देना चाहिए, वरना नेक्स्ट एलिमिनेशन द ग्रेट खली का होने वाला है। पंचेस पे पंचेस भाई, कुछ करने ही नहीं देते हैं ये खतरू टीम के सामने। पता नहीं कौन सी टीम को लाना होगा जो हरा सके। आंद्रे तो जाइंट है ना, जब तक तब तक मुझे उम्मीद है कि जाइंट्स जीत सकते हैं, क्योंकि आंद्रे सर है खतरनाक। खाली फिनिशर दो, अच्छा टैग ही दे दो, या सर फिनिशर दो, नहीं तो जाके टैग दो पावर बॉम्ब। जॉन सीना अब रूठ रहे, देखो जॉन सीना को एक तो टैग नहीं मिल रहा है, सीना परेशान, देखो सीना परेशान घूम रहे हैं कि कोई टैग ही नहीं दे रहा है। आंद्रे द जाइंट आ रहे हैं, एल्बो ड्रॉप सर, अरे फिनिशर वेट, जाइंट्स ना फिनिशर देने के लिए इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं, इस चक्कर में डूबे हुए सर। फिनिशर एल्बो ड्रॉप लगा दिया, फिनिशर लगाया फाइनली। रोमन की बॉडी ऑरेंज, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ है और पिनफॉल भी नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर, अरे 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 बचाने आए थे, देख रहे हो ना आंद्रे सर को है खतरनाक, अकेले एक दो एलिमिनेशन तो कर ही देंगे। बाकी अगर कोई और जाइंट साथ दे देना आंद्रे द जाइंट का, तब हो सकता है कांड। आंद्रे सर रोमन को होश आ रहा है, ब्रॉक लेसनर से अपना ध्यान हटा दो। शेमस वाला शॉट, ये शेमस वाला पता नहीं क्यों सबको लगा दिया है, क्योंकि अगर कोई मूव नहीं सूझ रहा था तो बोलना चाहिए था ना ये, मतलब ये क्या लगा दिया है, ये ऐसा लगता है शेमस मार रहे हैं। आंद्रे सर गलत गलत, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। डीडीटी सीना तो अब टैग लेने वाले भी नहीं, क्योंकि सीना उस साइड है, रिंग के कॉर्नर में होना पड़ता है टैग लेने के लिए, तो मतलब अभी तो सीना को टैग नहीं मिलने वाला है जब तक रैंडी ऑर्टन को नहीं मिल जाए। जाइंट्स की टीम में सिर्फ ब्रॉन स्ट्रोमन की हेल्थ बची है, आंद्रे सर का भी हेड येलो हो ही गया है। रोमन का हाथ पकड़ लिया, ओके हाथ पे हेड से, अरे रे रे पति खोपड़ी से मार मार के रोमन का शोल्डर डैमेज कर दिया, बहुत बढ़िया सर। फिनिशर के लिए आई थिंक जा रहे आंद्रे द जाइंट, दो दो फिनिशर है, रोमन एलिमिनेट हो सकते हैं, लगाओ बच गए रोमन, यही तो मेन बात है ना, मेन टाइम पे रोमन बच जाते हैं। आंद्रे सर अरे गिरा के फिनिशर दे सकते हैं, अभी भी मौका है। एल्बो ड्रॉप, अरे ऐसे नहीं, फिनिशर फिनिशर दे देना चाहिए सर, कभी कभी हो जाता है पिनफॉल, लेकिन रोमन के ऐसे पिनफॉल करवाना मुश्किल ही है। पड़ गया सुपरमैन पंच, बस इसी कमी थी, फॉल हो भी सकता था, कोई गारंटी नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमन ने बचा लिया रोमन, रोमन और रोमन का ध्यान पूरा आंद्रे द जाइंट पे, देख लिया ना, रोमन भी चाहते थे स्ट्रोमन को मार सकते थे, लेकिन नहीं, सीना को टैग फिर से नहीं मिला भाई। सीना तो अब खड़े हुए थे जगह पे, सीना से क्या दुश्मनी है, तीनों को सीना को टैग ही नहीं मिल रहा। सीना मतलब मैच देखने आए, मेरे और आपके ऐसे सीना भी मैच को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सीना टैग मिलेगा, मिलेगा मेरे को लग रहा है मिलेगा, अभी तो तीन तीन आदमी बाकी है जाइंट्स की तरफ। जाइंट्स कुछ तो करो, ऐसा लगे कि जाइंट्स है सामने। ग्रेट खली सर लगाओ, फिनिशर लगाओ, वाइस ग्रिप, एक वाइस ग्रिप, चॉक स्लैम दे दे जा रहे थे, लेकिन लग गया कमुरा लॉक, थोड़ा लेट कर दिया चॉक स्लैम देने में, थोड़ा जल्दी देते ना। ये देखो ब्रॉक लेसनर को, सबको मारेंगे लेसनर अकेले, सीना बचाने भी नहीं आ रहे, सीना रूट गए, क्योंकि सीना को कोई टैग देता नहीं है। एक और कमुरा लॉक, आंद्रे ने जाइंट को देने की क्या जरूरत थी, लेकिन ठीक है चलो, आंद्रे सर की भी हेल्थ खत्म, ब्रॉन स्ट्रोमन की थोड़ी बहुत हेल्थ बची है। सीना को टैग नहीं मिलेगा, मैं समझ गया आज लगता नहीं मिलने वाला है सीना को टैग। ये कोई नया टाइप का ग्लिच आया है क्या, जिसमें सीना को टैग नहीं मिलता है। रैंडी ऑर्टन हाई फ्लाइंग सुपरस्टार तक बन गए हैं, बहुत बढ़िया ऑर्डर, लेकिन आरक्यू देना है आउट ऑफ नोवेयर, तब जाके एक एलिमिनेशन और होगा। नेक्स्ट एलिमिनेशन क्या लग रहा है, किसका होगा, मुझे लग रहा है शायद द ग्रेट खली का हो सकता है। एक फिनिशर पड़ा ना खली सर को, वो भी खास करके आरक्यू या फिर गिलिटीन, जो हेड को डैमेज करता है, तब खली सर गए। टीम ब्रॉन स्ट्रोमन, इन दोनों ने अभी तक पूरे मैच में एक फिनिशर नहीं किया है। फाइनली एक फिनिशर देने जा रहे थे, वो भी छीन लिया ऑर्टन ने,
देखा नहीं गया ऑर्टन से, बहुत बड़े ऑर्टन आरकेओ ऑर्टन के पास। खलीसर एक फिनिशर ट्राई करने जा रहे थे, टॉप रोप आरकेओ ये पड़ा, गए खलीसर गए, रिवर्स करने का अभी भी मौका है, टॉप रोप आरकेओ रिवर्स कर सकते हो, एक और चांस मिलता है, डबल रिवर्सल है इसमें, आई थिंक रिवर्स नहीं किया, अभी भी चांस है, नहीं नहीं गए गए गए, द ग्रेट खली गए, बूम एक और एलिमिनेशन हो गया, जायंट्स की तरफ से एक और एलिमिनेशन हो गया है, ब्रॉन स्ट्रोमन अगर एलिमिनेट हुए ना तब समझ लो खत्म, और ये भी रिवर्स कर दिया, ऑर्टन भी आज फुल मूड में है भाई साहब, खतरनाक, सीना को टैग, सीना को नहीं दिया, नहीं दिया, आखिरकार सीना को टैग नहीं मिल रहा है, सीना क्या होगा, रनिंग पावर स्लैम, लगता है रोमन रेंस गए, रोमन नहीं गए, बॉडी लाल हो गई, पिनफॉल हो सकता है, सीना ने बचा लिया, सीना सिर्फ बचाने आ रहे हैं लेकिन किसी को मार रहे नहीं है, सीना बुरा मान गया, मैं बता रहा हूँ ना, सीना पिनफॉल बचाने भी आए थे या नहीं पता नहीं, क्योंकि सीना ने मारा नहीं किसी को, ये दिया कार्ड हो रहा भाई, आज तक किसी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले को टैग ही नहीं मिला हो, लास्ट में तो कम से कम वो आ ही जाता है, और ब्रॉन स्ट्रोमन भी गए, रोमन ने दो एलिमिनेशन किए, ऑर्टन ने एक एलिमिनेशन किया, आंद्रे द जायंट सिर्फ बच गया, अब ये अकेले बचे हैं, सर कैसे क्या करोगे, तीन तीन फिनिशर है, एटलीस्ट रोमन और ब्रॉक को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, पिनफॉल हो सकता है, किकआउट कर दिया, किकआउट कर दिया, यानी कि अभी भी कुछ कर सकते हैं आंद्रे द जायंट, रोमन कसम है इस बार, सीना को टैग, अच्छा जा ही नहीं रहे, सीना को सीना की तरफ जाकर किसी और को टैग दे दे रहे, ये और सीना क्या हो रहा है आज, पता नहीं सीना के साथ क्या हो रहा है भाई आज, ये एक अलग ही स्टोरी चल रही है मैच के अंदर कि सीना को कोई टैग नहीं दे रहा है, लगता है कि अब बाकी तीनों एलिमिनेट हो गए ना, आंद्रे सन ने लगा दिया एल्बो ड्रॉप, लेकिन ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट नहीं हुआ, इसीलिए भाई ये 2K22 की खतरू टीम है, नॉकआउट भी ये लोग आसानी से नहीं होते हैं, क्या लगता है कमेंट करके बिना वीडियो को आगे बढ़ाए प्रिडिक्शन करो कि सीना रिंग में आएंगे या नहीं, तीनों के एलिमिनेट होने के बाद भी आएंगे या फिर टैग मिलेगा या नहीं सीना को, या फिर ऐसी मैच खत्म हो जाएगा क्योंकि आंद्रे सर गए तो मैच खत्म, लास्ट ही आदमी बचे हैं, और ये देखो आंद्रे सर सबको मारने लगे, सीना को आंद्रे सर भी नहीं मार रहे, बोल रहे क्या रे यार ये तो ऐसे भी नहीं आ रहा है तो इसको मार के क्या फायदा, बाकी तीनों को मार रहे हैं, देख रहे हो ना ये एक अलग कहानी चल रही है, इस कहानी का क्या रिजल्ट होगा मैच के बाद पता चलेगा, ब्रॉक लेसनर आई थिंक एलिमिनेट हो सकते हैं अगर रिवर्स नहीं किया तो, बॉडी लाल हो गई, पिनफॉल हो सकता है, वन में किक आउट कर दिया ब्रॉक लेसनर ने, भाई साहब इनको हराना मुश्किल है, चार चार आदमी बचे हुए, एक भी आदमी फिलहाल तो एलिमिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन आई थिंक ब्रॉक गए, अब वो मारे इसके बाद भी नहीं गए, ब्रॉक की बॉडी लाल थी भाई साहब, एलिमिनेट हो सकते थे ब्रॉक लेसनर, इसके बाद भी नहीं गए लेसनर, मुझे बोलो खतर, अरे आंद्रे सर नकल निकाल के बूम, भाई साहब आंद्रे सर ये क्या करने लगे, नकल से मार दिया रोमन को, रोमन लंबे टाइम के लिए स्टंड हुए हैं, ब्रॉक लेसनर ने एक फिनिशर लगाया, आंद्रे द जायंट गए, लेसनर अब टैग दे दो प्लीज, सीना इंतजार नहीं मिला, आखिरकार टैग, एक आरकेओ लगा, आंद्रे द जायंट गए सर, खत्म लास्ट ही है, सीना का भी अब मूड खराब हो रहा है, सीना अरे आरकेओ दे दिया, आंद्रे द जायंट भी एलिमिनेट नहीं हुए, पिनफॉल हो सकता है, किक आउट कर दिया, खतरनाक, लेकिन अभी भी जीतने की चांसेस बहुत कम ही है, आंद्रे सर एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो वरना जीतने की चांसेस आपके कम हो रहे हैं, एक आध एलिमिनेशन करो शायद कुछ चांसेस बने, डबल हैंडेड चॉक स्लैप्स, अगर एल्बो ड्रॉप लगाए, लगा दिए शायद ऑटन एलिमिनेट हो गए, एक एलिमिनेशन किया, सीना अंदर आ जाओ, टैग लेने की जरूरत नहीं है, सीना अभी भी अंदर नहीं आए क्योंकि लीगल आदमी रोमन रेंस है, अब तो मैच खत्म, मैं समझ गया भाई अब मैच खत्म होने वाला है क्योंकि रोमन के हाथ पे आ गया ना, अब रोमन खत्म कर देंगे, रोमन टैग दे दो, लास्ट का टाइम है, सीना आएंगे फटाक से एक फिनिशर देंगे, मैच खत्म हो जाएगा, ऐसे रोमन के पास भी फिनिशर है, रोमन ने तो पहले ही दो दो एलिमिनेशन किए हुए, रोमन टैग देना बनता है इसी बात पे, दो एलिमिनेशन कर लिया और कितना लालच है, दो दो कर दिया, एक सीना एक एक बनता है, सबने एक एक एलिमिनेशन एटलीस्ट किया है, नहीं नहीं ब्रॉक ने भी नहीं किया एलिमिनेशन, लेकिन ब्रॉक पूरे मैच में थे, ब्रॉक ने पूरा खेला है, सीना को नहीं दे रहे टैग भाई, मैं बोल रहा हूँ कुछ झोल कर रहे ये लोग, अब लगता है कि रोमन और ब्रॉक के एलिमिनेट होने के बाद ही सीना आएंगे, लेकिन लगता नहीं कि ब्रॉक एलिमिनेट होने वाले, स्टंट खत्म, आंद्रे सर खत्म, अब मुझे नहीं लगता बचेंगे, स्टंट है, ब्रॉक के पास फुल मौका है, सबमिशन लगा दिया,
हाथ और पैर दोनों को लॉक कर दिया है, खत्म। टैप आउट कर सकते हैं। सीना को टैग मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर टैप आउट किया तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा टैग। सीना को टैग नहीं मिला, पूरे मैच में सीना नहीं आए। भाई साहब ये क्या है, 2K22 की खतरों टीम तो जीत गई, वो तो समझ में आ ही गया था, लेकिन सीना को आखिरकार टैग नहीं मिला। भाई ये क्या हो गया। अरे आंद्रे सर नकल निकाल के बूम। भाई साहब आंद्रे सर ये क्या करने लगे, पूरा मैच खत्म हो गया लेकिन सीना को टैग नहीं मिला। तो चलो फेल गेम फैमिली में मिलता हूं आप लोग से कल, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर मेरी कल की वीडियो आपने मिस कर दी है तो वो स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको जाके चेकआउट कर लेना। ख्याल रखो, सब कुछ सेफ रहो, अच्छे से रहो। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।